मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के मित्तल ग्राउंड में। जस्ट आप देखेंगे कि ये शमशाद नगर सोसाइटी है और शमशाद नगर सोसाइटी के जस्ट पीछे ही यहाँ देखेंगे कचरा डंप किया जा रहा है और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं जो यहाँ से कचरा लेकर जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि कचरे की वजह से बदबू आ रही है और जो रिहायशी इलाका है यहाँ शमशाद नगर है, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, हम बात करेंगे इसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद शेख है। मैं शमशाद नगर सोसाइटी का फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। ये हमारे सेक्रेटरी साहब है, ये हमारे कॉलोनी के मेंबर है, ये हमारे बोरी समाज के कब्रिस्तान के मैनेजर है, जावेद भाई है, शफी भाई। आज हम लोग इधर आए भाई, असल में तकलीफ ये है कि हम शमशाद नगर में रहते हैं और शमशाद नगर के जस्ट पीछे दीवार के पीछे वॉल के पीछे यहाँ डंपिंग की जा रही है, गंदे कचरे की डंपिंग की जा रही है। और कचरे के वजह से हम लोगों को इतनी स्माइल आ रही है, इतनी बास आ रही है कि शाम के 4 बजे के 5 बजे के पहले हमको खिड़की बंद करना पड़ती है। उसके बाद में बास आ रही है और उसके अंदर से कीड़े पैदा हो रहे, बारीक बारीक कीड़े घरों में आ रहे, ट्यूबलाइट जलाओ नहीं तो कीड़े घर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये तकलीफ हमको क्यों दी जा रही है? प्रशासन ने जब एक PMC कॉलोनी बनाई है उसके अंदर हर रूल एंड रेगुलेशन पास की है, तो वो हम लोग को इनलीगल हमारे पीछे कचरा क्यों डाला जा रहा है? आज तक रिकॉर्ड है कि शमशाद नगर के अंदर कोई भी चीज़ बकाया नहीं है, कोई लैंड टैक्स बोलो, वाटर टैक्स बोलो, या कोई नीट एंड क्लीन सोसाइटी है और मुमरा की सब में फर्स्ट 86 की सोसाइटी है। मैं आप लोगों को एक बता दूं, 86 की सोसाइटी है, तब से लेके आज तक कितने दिन से ये कचरा डाला जा रहा है? तकरीबन 20 दिन हो गया भाई। और इसको हम लोग ने आके एक साथ दो तीन साहब जो स्थानीय नेता है, जनप्रतिनिधि है, नहीं कोई भी किसी को बात नहीं की, हमने सिर्फ ऑफिसरों से बात की। सुबह 11:30 बजे मंगल के दिन आए थे, मंगल के दिन ऑफिसर ने हमको आश्वासन दिया था इस्लामुद्दीन भाई कि भाई ये तुमको डंपिंग किया जा रहा है, ताबड़तोड़ उतारा जा रहा है और ये तात्पुरता है। उनका ये था शब्द के तात्पुरता है, मगर तात्पुरता है समझ में आता है, जो आज तकलीफ हो रही हो तात्पुरती भी होगी तो बीमारी का धन है, वो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों से क्यों नहीं संपर्क किए कि हमें ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है? आप लोग भी वोट देते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी का काम है। सुनिए, म्युनिसिपैलिटी का काम है, लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं जिसे आप चुन कर लाते हैं, जिन्हें आप वोट देते हैं, जिनसे आपको अपने अधिकार है, आपको अपना सारा काम कराना, अब तक उनसे कंसर्न नहीं, उनसे भी तो बातचीत करना चाहिए कि हमें इस तरह की तकलीफ हो रही है। सही है कि हम लोगों ने कोई जनप्रतिनिधि को नहीं इन्वॉल्व एट प्रेजेंट किया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जिम्मेदारी है वो निभावे। ये प्रशासन का काम है, अगर इन लोग नहीं करते हैं तो फिर आगे जो हम प्रशासन ने क्या कहा है आप लोगों? प्रशासन ने कहा है, वो एक बाबा साहब थे, उनका नाम था, नाम लेना नहीं है, चलो बहुत से लोग थे, 4-8 जन खड़े हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि ये हम 4 दिन तक डालेंगे, उसके बाद हटा देंगे। अब 4 दिन का वक्त पूरा हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक ये वैसे के वैसे ही है। हाँ, और इससे जो तकलीफ हो रही है इस्लामुद्दीन भाई, अभी आप लोग क्या करेंगे? तकलीफ तो होगी, तकलीफ हमारा ये रिक्वेस्ट है इस्लामुद्दीन भाई, ये कचरा डालना बंद करे यहाँ पे, उसके तकलीफ तो होगी। आप जैसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो मनपा अधिकारी है उनसे भी बातचीत की, 4-8 दिन का जो टाइम दिया था वो भी नहीं हुआ, और आप लोग इसकी शिकायत किसी नेता से भी नहीं करना चाहते हैं? पहला स्टेप है, हमारा समझे, हम करना चाहते क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारे को तो तकलीफ हो रही, तो हम तो जनप्रतिनिधि को तकलीफ रिपोर्ट करेंगे, एमएलए को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरा और इकबाल भाई का या पर्सनल 4 लोगों का मसला नहीं है इस्लामुद्दीन भाई। ये पूरी 220 रूम जो इधर शमशाद नगर के अंदर 220 रूम है, वो रूम को तकलीफ हो रही है, उनके बच्चों को तकलीफ हो रही है, बुजुर्गो को तकलीफ हो रही है। अगर इसी तरह से रहा, सोसाइटी भी काफी नजदीक है, बहुत नजदीक है, खाली बदबू है यहाँ पर, खुद खड़े नहीं रह सकते। अभी देखो हम लोग 5 मिनट फैलेगी, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, मलेरिया है, ऑलरेडी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑलरेडी खुद अभी खड़े देख रहा है कि हम खड़े नहीं हो सकते हैं, यह हालत है। 10 मिनट जो जगह हम खड़े नहीं रह सकते इस्लामुद्दीन भाई, वो सोसाइटी 2400 घंटे उस चीज का बर्दाश्त कर रही है। आके हमारी जन अभी अगर हमारी बाइट आपके जरिए से पहुंचती है लोगों तक, तो आप जनप्रतिनिधि को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करें, ये डंपिंग को बचाए। MLA साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई वो हमारे को हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे,
ना कि हम लोग इधर उधर भागते रहे। इस्लामुद्दीन भाई ये सिर्फ शमशाद नगर को तकलीफ नहीं है, उसके इतराफ में जितनी कॉलोनीज है, जब तेज चलती है ना तो ये बहुत दूर तक जाती है, ये पूरा एनवायरमेंट इसका जपेटे में आता है। खाली शमशाद नगर की बात नहीं है, ये शमशाद नगर के प्रतिनिधि आए करके हम शमशाद का नाम ले रहे हैं, बाकी इधर 5 बिल्डिंग है, उधर 8 बिल्डिंग है, पूरा कब्रिस्तान है, इधर बोरी कब्रिस्तान है, शिया कब्रिस्तान है। शमशाद नगर ने एक अपनी जिम्मेदारी समझ के चीज को आगे किया है, आप लोगों को बुलाया है, रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया ताकि हमारी दुखती रक्त को आप सोल्व करे, नहीं तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस्लामुद्दीन बीमारी का धन है, इस्लामी टाइम पे जंगली कुत्ते इतने सब रात में आते, बच्चों पे कुत्तों ने भी हमला किया था, हमारे मस्जिद से निकला था जंगली कुत्ता था, उसके आंख पे भोका था, काटा नहीं था उसको, भोका था, मगर वो शुरुआत है, ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, लेकिन कुछ आदमियों ने भगाने की वजह से बच गया बच्चा। तो ये सिचुएशन पे कुत्ते आते हुए अभी शाम में आप आओगे ना इस्लामुद्दीन भाई, जंगली कुत्ते जो एक देख सकते हो अभी भी है, और एक होते जंगली कुत्ते जो खा पी गया वो अंडर कंपाउंड के अंदर आ जाते, अभी भी है, देखिए वो ऑलरेडी यहाँ से जो खाते और फिर बाद में आके उधर सोसाइटी के अंदर आके बैठते और सब गंदगी फैलाते हैं और बच्चों को काटने का ये करते हैं, बच्चे हो गए बड़े हो गए जो भी है। हम लोग की ये रिक्वेस्ट है इस्लामुद्दीन भाई, दीपक भाई और आप सब लोगों से, इस्लामुद्दीन भाई आप लोग हमारी मदद करो, हमारी बाइट को जितना हो सके आगे बढ़ाओ तो हम लोग की मदद होगी और ये इस मुसीबत से हमको छुटकारा दिलाए। तो आपने सुना कि तमाम लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये गंदगी है और ये आवारा कुत्ते यहाँ से जब सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो बच्चों पर भी हमला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चिकन हो गया या फिर मटन की दुकानों का जो वेस्टेज पार्ट वगैरह है वो यहाँ लाके डाला जाता है, तो कुत्ते यहाँ से खा पी के जाते हैं, फिर बच्चों पर भी हमला करते हैं, और ये सोसाइटी रहवासी सोसाइटी है यहाँ पर देखेंगे, और काफ़ी बदबू से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं, और डंपिंग जो है इस तरह से सोसाइटियों के बाजू में जो है वो होना भी नहीं चाहिए। कचरा शहर से उठाकर सीधा शहर के बाहर जो डंपिंग बनाई जाती है वहाँ पर डंप होना चाहिए, लेकिन ये मुमरा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि शहर से कचरा उठाकर फिर शहर के पीछे ही तरफ जो है डंप कर दिया जाता है, जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इस्लामुद्दीन भाई मैं एक चीज़ बोलना बता दिया, अभी हम 2-4 दिन और वेट करेंगे, सारी जगह लेटर देंगे हम, उसके बाद भी अगर ये नहीं होता है तो हम शमशाद नगर वाले आके यहाँ पे आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के जरिए लोगों को ऑफिसरों को या प्रशासन को हम जागरण करेंगे, जगाएंगे कि भाई देखो ये क्या हो रहा है, टीएमसी में ये तकलीफ है तो बाकी लोगों का तो छोड़ ही दो। तो ये मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम आंदोलन पर बैठ जाएंगे, एक भी गाड़ी को वहाँ से अंदर आने देने का नहीं। हाँ, लोगों कह रहे हैं कि अगर नेता मनपा अधिकारी इसका हल नहीं निकालते हैं तो ये इसके खिलाफ जो है सोसाइटी के तमाम लोग आंदोलन करेंगे।